Hello friends, welcome to Gates Measure. So the next query is, write a query to display all the department names where number of employees are less than 2. Means, मेरे को उन department के names को print करवाना है जहां पे number of employees work कर रहे हैं less than 2. इस टाइप की क्वेरी जो है बहुत टाइम पे हम रियल एनवायरनमेंट में भी रियल टाइम एग्जांपल में भी हम ले सकते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कोई भी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे एचआर है, मार्केटिंग है, जैसे हमने लिखा हुआ आईटी डिपार्टमेंट है, इसके अलावा टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट है. तो अगर एक सिंपल सी क्वेरी मैं पूछूं कि यार उस डिपार्टमेंट का नेम बताओ जहां पे लेस देन 50, लेस देन 100 या लेस देन 200 एम्प्लॉइज है, या मोर देन 100 एम्प्लॉइज है, मोर देन 500 एम्प्लॉइज है, तो ऐसे डिपार्टमेंट के नेम्स कैसे फाइंड करोगे आप? तो उसके लिए हम यहां पे क्वेरी लिखेंगे. लेकिन इस क्वेरी को लिखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मेरी इससे पहले वाली वीडियो जो है वो प्लीज एक बार चेक कर लो, बिकॉज़ उस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, हमने वो डिस्प्ले किया. मतलब जैसे अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो इस टेबल में जैसे कि एचआर में 1 2 2 एम्प्लॉइज है, मार्केटिंग में अगेन 2 एंड आईटी में 1. तो ये आउटपुट कैसे आई, ये आउटपुट कैसे आई, इसको मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. तो अब हमें करना क्या है, बस इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं. क्या कि इसमें से मेरे को वो वाले ही वैल्यू निकालनी है जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट इज लेस देन 2. तो लेस देन 2 देख लो आप, एचआर में तो 2 है, 2 है, लेस देन 1. सो दिस इज व्हाट लेस देन 2 मींस, 1. सो आईटी शुड बी द आउटपुट. तो इसके लिए ये वाली जो वीडियो है ये टोटली लिंक्ड है. इवन ये सारी सब क्वेरीज की जो मैं सीरीज बना रहा हूं, ये वीडियोस जो है सारी एक दूसरे से लिंक्ड है. और वीडियो 1 में बिल्कुल हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया. अब हम, मैंने पहले भी बताया था कि हम बिल्कुल अब डीप में जा रहे हैं क्वेरीज के अंदर. तो यहां पे इस क्वेरी को हम बात कर रहे हैं. तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, हमें क्या करना है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम. लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जो हमें सेलेक्ट करना है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हर एक SQL क्वेरी कहां से एग्जीक्यूट होती है, स्टार्ट कहां से होती है, फ्रॉम से. फ्रॉम मतलब सबसे पहले तो हम टेबल की बात करें कि किस टेबल से मेरे को आउटपुट लेनी है, किस टेबल से आउटपुट लेनी है, एम्प्लॉय टेबल से. तो फ्रॉम एम्प्लॉय, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमेशा SQL क्वेरी फ्रॉम से एग्जीक्यूट होगी. तो पहले फ्रॉम एम्प्लॉय. अब जब भी हमें डिपार्टमेंट वाइज या मेरे को सब्जेक्ट वाइज इस टाइप के जैसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां पे मेरे को ग्रुप बनाने पड़े, क्योंकि रैंडम डेटा है, एचआर है, फिर एचआर है, हो सकता है एचआर उसके बाद 30th पोजीशन पे हो, 40th पोजीशन पे हो, 100 पोजीशन पे हो, अलग-अलग मुझे नहीं पता कि रैंडमली कहां पे पड़ा एचआर. क्योंकि एम्प्लॉई आईडी को मैं सॉर्ट कर सकता हूं इजीली. अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो डिपार्टमेंट को अगर मैं सॉर्ट करना भी चाहूं तो एडवांटेज क्या है, कोई एडवांटेज नहीं. एचआर वाले मेरे को सिर्फ सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है कि सिर्फ हम आउटपुट में डिस्प्ले कर सकते हैं कि जैसे अगर 1 2 3 4 5 9 10 है तो मैं उसको ऑर्डर बाय अगर करता हूं तो ऑर्डर बाय से मैं क्या एडवांटेज है मेरे को कि मैं उसको डिस्प्ले कर सकता हूं या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन उससे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगी. तो यहां पे जो डिपार्टमेंट है एचआर, एचआर या मार्केटिंग मुझे नहीं पता रैंडमली कहां पड़े हैं, तो क्यों ना हम इनका ग्रुप बना दें, मतलब एचआर का ग्रुप, मार्केटिंग का ग्रुप, आईटी का. तो वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय. तो फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाय, दिस इज द ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप स्पेस, देयर इज अ स्पेस, देन बाय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको ग्रुप बना दी. सो एचआर, मार्केटिंग एंड आईटी का एक ग्रुप बन जाएगा, मतलब एचआर वाले इकट्ठे, मार्केटिंग वाले इकट्ठे और आईटी वाले इकट्ठे, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. और फाइनल में हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, डिपार्टमेंट, बिकॉज़ ग्रुप बाय के साथ जो भी ग्रुप बाय के साथ एट्रीब्यूट लगा हुआ है सिर्फ वही एट्रीब्यूट हम यहां पे यूज कर सकते हैं. अगर उसके अलावा कोई एट्रीब्यूट यूज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोई भी एग्रीगेट फंक्शन, चाहे काउंट, मैक्स, मिन, कोई भी एग्रीगेट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं. तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. तो ये क्वेरी जो है हमने लास्ट जो क्वेरी की थी वो ये वाली क्वेरी की थी. तो उसकी आउटपुट तो ये आ गई.
अब हमें आउटपुट में प्रिंट क्या करवाना है, अब सिर्फ आईटी, मतलब ये जो क्वेरी दे रही है वो पूरी आउटपुट दे रही है ये सारी, लेकिन इस पूरी आउटपुट में से मेरे को सिर्फ आईटी वाला चाहिए। तो हम जब भी हम रोज को सिलेक्ट करते हैं, हम यूज करते हैं वेयर, वेयर क्लॉज, जैसे कि वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू आईटी, या कुछ भी आप अगर सोचो कि डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू आईटी, अगर मैं लिख सकूं इस तरीके से, लेकिन वेयर क्लॉज यहां पे काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वेयर क्लॉज डायरेक्टली काम करता है पूरे टेबल पे, मतलब वेयर क्लॉज अगर आप करोगे तो वो पूरे टेबल पे वर्क करेगा, लेकिन हमने इस टेबल को ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज हमने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब लॉजिकली वर्चुअली इस चीज को सोच सकते हो कि ग्रुप बाय एचआर वाला इकट्ठा, मार्केटिंग वाला इकट्ठा हो गया आईटी वाला, तो यहां पे वेयर क्लॉज पूरे टेबल पे काम करेगा। वेयर और ग्रुप बाय आपस में रिलेटेड नहीं है, मतलब वो आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। तो ग्रुप बाय के अंदर अगर मुझे यूज करना है वेयर, ग्रुप बाय के अंदर अगर मुझे यूज करना है वेयर, क्योंकि अगर ये नॉर्मल वेयर तो ये पूरे टेबल पे लगेगा बाहर, मतलब ग्रुप बाय से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो ग्रुप बाय से अगर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है वेयर, तो फिर ग्रुप बाय का तो लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ग्रुप बाय के अंदर अगर मुझे वेयर लगाना है तो मैं वेयर नहीं यूज करता, उसके लिए हम यूज करते हैं हैविंग। हम यूज करेंगे यहां पे हैविंग, वेयर की जगह हैविंग। तो क्वेरी क्या बन गई, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार, हमें काउंट करना है क्योंकि हरेक डिपार्टमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू है, कि एचआर में दो लोग हैं, मार्केटिंग में दो लोग हैं, आईटी में एक लोग है, तो यहां पे हैविंग काउंट स्टार इज लेस देन टू करना है, लेस देन टू, दिस इज द फुल क्वेरी। सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार इज लेस देन टू, तो ये आउटपुट क्या देगा मेरे को, IT. This is how this query actually works. अब इस query में हो सकता है कि एक और further extension पूछ ले कि उस employee का name बताओ जो ऐसे department में काम कर रहा है जहां पे number of employees है less than two. मतलब less than two employee वाला, less than two employee वाला जो department है उसमें कौन कौन लोग काम कर रहे हैं उनका name बताओ। जैसे हमने यहां तक तो कर लिया, हमें पता लग गया कि ऐसा डिपार्टमेंट आईटी है, आईटी ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे नंबर ऑफ इंप्लॉइज का जो काउंट है वो लेस देन क्या है, टू, मतलब एक है, एक है या जीरो भी हो सकता है, तो एक है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में जो भी इंप्लॉई है उसका नेम प्रिंट करवाना है। मतलब जैसे कि आईटी में कौन है, वरुण, तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, वरुण, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमें पता है कि नेस्टेड क्वेरी का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्वेरी पूरी, ये पूरी क्वेरी एक आउटपुट दे रही है आईटी, तो मैं इस आउटपुट को अब यूज करूंगा दूसरी क्वेरी लिखने के लिए। मतलब यहां पे आप क्वेरी, पहले तो क्वेरी जरूर नोट कर लेना, क्वेरी क्या है कि उस इंप्लॉई का नेम फाइंड करना है जो ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है जहां पे नंबर ऑफ इंप्लॉइज लेस देन टू है, तो हमने डिपार्टमेंट तो फाइंड कर लिया, डिपार्टमेंट है आईटी। अब हमें क्या करना है, उस बंदे की डिटेल, तो डिटेल कहां से करेंगे, सेलेक्ट, लेट्स से ई नेम प्रिंट कराना है, सेलेक्ट ई नेम दैट इज एम्प्लॉई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर डिपार्टमेंट मीन्स जहां पे डिपार्टमेंट की वैल्यू क्या हो, वेयर डिपार्टमेंट इन, दिस इज द इनर क्वेरी, वेयर डिपार्टमेंट इन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार लेस देन टू, तो ये अ पूरी क्वेरी, दिस इज द होल क्वेरी टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द पर्सन, टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द पर्सन हु इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट जहां पे नंबर ऑफ इंप्लॉई लेस देन टू है। तो लेस देन टू कैसे करेंगे, हमने इस क्वेरी से पता लगा लिया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम इंप्लॉई ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार लेस देन टू, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, आईटी। अब इस आईटी का हम यूज करेंगे डिपार्टमेंट इन आईटी, मतलब
अब देखो डिपार्टमेंट की वैल्यू क्या है, एचआर, एचआर इन, इन मतलब इक्वल टू या इंक्लूड बोल सकते हो आप, क्या एचआर एंड आईटी बराबर है? नहीं, तो नॉट। देन मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग और आईटी इक्वल है? नो। देन एचआर, नो। मार्केटिंग, नो। देन आएगा आईटी, क्या आईटी इन, इन मतलब इक्वल, क्या आईटी इन आईटी है? ट्रू। तो आईटी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई नेम क्या है? वरुण। सो दिस विल बी द आउटपुट। सो दिस इज हाउ वी यूज द नेस्टेड क्वेरीज टू प्रिंट द आउटपुट। तो आप इस क्वेरी को, इन केस अगर आप इसको ना भी समझ आए तो प्लीज एक बार वीडियो को आप दोबारा से एक बार प्ले करना, आपको इजीली समझ आ जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है नेस्टेड क्वेरीज का जो ये कॉन्सेप्ट है, क्वेरीज को फ्रेम करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप एक अच्छा सा डायग्राम, एक अच्छा सा आप टेबल लेके इस क्वेरीज को करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप इन क्वेरीज को लिख पाएंगे। सो दिस इज हाउ वी राइट द क्वेरी ऑफ लाइक दिस। थैंक यू।